एबीएसएससी पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज का क्वेश्चन आपके सामने है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 11 for ₹10। एक आदमी कुछ वस्तुएं खरीदता है ₹10 में 11 के हिसाब से, ₹10 का 11 के हिसाब से खरीदता है, एंड बॉट सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 9 for ₹10, और उतने ही आर्टिकल ₹10 में 9 के हिसाब से खरीदता है, ₹10 में 9 खरीदता है, एंड शोल्ड ऑल द स्टॉक एट द रेट ऑफ 1 for ₹1, और ₹1 का 1 बेचता है। कह रहा है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि प्रॉफिट या लॉस कितने का हो रहा है उसे। अच्छा, अब हम लोगों ने जो पीछे का क्वेश्चन देखा था, लास्ट वीडियो में देखा था हमने, उसमें क्या था कि कोई आदमी, जैसे क्वेश्चन था कि आर्टिकल उसने खरीदा 10 का खरीदता था और 10 बेचता था 11 का, तो इस केस में पूछता था प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा। अच्छा, वो एक सिंगल लाइन का स्टेटमेंट था, तो हम लोग क्या करते थे, आर्टिकल को सेम कर लेते थे, आर्टिकल को सेम कर लिया, और उसके बाद जो प्रॉफिट या लॉस हो गया, जैसे हमको यहाँ आर्टिकल सेम करना है, इसको 10 से इसको 11 से गुना कर दिया, 10 से तो ये भी 10 से, 11 से तो ये भी 11 से, तो यहाँ ₹100 का खरीदा था 110 आर्टिकल, और ₹121 में 110 आर्टिकल बेचा, तो यहाँ पे प्रॉफिट ₹21 का प्रॉफिट हो रहा था, और 100 पे 21 का प्रॉफिट 21% होता है। तो ये तो हमें सिंगल स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, उसका डबल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो इसमें हम देखेंगे, इसमें डबल इन्फॉर्मेशन गिवेन है परचेजिंग का। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या है एक्चुअल में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी कुछ वस्तुएं खरीदता है, सम आर्टिकल्स खरीदता है, कैसे खरीदता है, तो खरीदने का जो दर है वो है, मतलब आर्टिकल खरीद रहा है, वो आर्टिकल्स खरीद रहा है और उसके पास रुपए हैं, वो ₹10 का 11 आर्टिकल्स खरीद रहा है यहाँ पे, ये भी इसका कॉस्ट प्राइस है। और अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जितना यहाँ खरीदा उतना ही यहाँ खरीद रहा है, अब वो जितना भी खरीदा हो हमें नहीं पता, लेकिन जितना यहाँ खरीदा है उतना ही यहाँ भी खरीदा है, तो यहाँ पे जो खरीदा है वो खरीदा है 9 खरीदा है ₹10 का, मतलब 10 का 9 खरीदा है, ये भी उसका कॉस्ट प्राइस है, बाउट लिखा हुआ है, खरीदा ही है। और उसको क्या करता है, वो सभी को बेच देता है, सोल्ड ऑल स्टॉक एट द रेट ऑफ 1 for ₹1, और सभी को उसको बेच देता है, ₹1 का 1 बेच रहा है। आपसे पूछा है कि उसको प्रॉफिट कितने का या लॉस जो भी हो रहा है वो कितना प्रतिशत हो रहा है। तो सबसे पहली बात, हम लोगों ने कल ही ये डिस्कस किया था कि जब भी क्वेश्चन आर्टिकल पे बेस्ड हो तो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम करना होगा, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम करने के लिए हम इसे 9 से इसको 11 से, क्वेश्चन जब तीन स्टेटमेंट हो गया तो आप एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ किसका 11, 9 और यहाँ 1 है, तो इसका 99 आ जाएगा। अब हमें 99 करना है, तो इसको 9 से इसको 11 से और इसको 99 से करना होगा। अच्छा, तो यहाँ पे इसने 99 आर्टिकल्स खरीदा, यहाँ पे भी 99 आर्टिकल्स खरीदा, इधर 9 से तो इधर भी 9 से, इधर 11 से, इधर, तो यहाँ 90 का 99 खरीदा, यहाँ 110 का उसने 99 खरीदा, और यहाँ भी 99 से हो जाएगा, तो यहाँ पे उसने 99 का 99 बेचा, ₹99 में 99 आर्टिकल बेचा। तो अगर आप देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे उसको टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस उसको पड़ गया 110 और 90, आपका ₹200 उसने इन्वेस्ट किया था, कितने आर्टिकल खरीदने में, तो 198 आर्टिकल खरीदने में। यहाँ पर आर्टिकल अभी बेचा कितना है, 99 में उसने 99 आर्टिकल बेचा है, तो आर्टिकल 2 गुना है, तो इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा, टोटल यहाँ पे 198 आर्टिकल, अगर 198 आर्टिकल खरीदा है तो बेचेगा भी 198, तो 198 आर्टिकल उसने बेचा, तो यहाँ पे 2 से गुना हुआ, तो ये भी 2 से, मतलब 198 में उसने 2 बेचा, तो 198 में 198 आर्टिकल बेचा, तो आप देख रहे हो इन्वेस्ट किया 200 और उसने बेचा 198 का, तो ₹2 का यहाँ पे उसको लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे उसको लॉस परसेंट है, कितने का लॉस, 2 का, और लॉस किस पे होता है, तो भाई कॉस्ट प्राइस पे, 200 पे ₹2 का लॉस है, तो भाई 100 पे कितना का होगा, तो आप कहोगे 1% का लॉस हो रहा है उसे बिजनेस में, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह का जब क्वेश्चन हो तो आप आर्टिकल्स को सेम करिए, और इसमें एक समझने वाली जो बात है वो ये है कि यहाँ पे 99 आर्टिकल खरीदा यहाँ भी, तो टोटल उसने 198 खरीदा, तो बेचेगा भी 198, जबकि यहाँ 99 ही आर्टिकल बेच रहा था, तब वो 99, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि यहाँ भी टोटल जितना खरीदा उतना बेचा, उस पे टोटल हमें प्रॉफिट या लॉस पता चले। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बस इसको आप समझिए बार बार, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन सेम है पिछले क्वेश्चंस की तरह, ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
क्वेश्चन सेम है, बस डेटा चेंज हुआ है। कह रहा है फ्रूट मार्चेंट बॉट सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 4 रुपी 10। एक फल विक्रेता है जो 10 रुपये का 4 संतरा खरीदता है एंड सेम अमाउंट ऑफ 10 रुपये के 4 की दर से संतरा खरीदता है। वो कुछ संतरा खरीदता है हमें नहीं पता है, लेकिन हर 10 रुपये का 4 संतरा वो खरीदता है एंड सेम अमाउंट ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 4 रुपी 10। और 10 का कुछ और संतरा खरीदता, उतना ही संतरा यहाँ भी खरीदता है, लेकिन ये संतरा 10 में 5 मिल रहा है उसे। और उसने क्या किया, अगर वो पूरे स्टॉक को बेच दे, पूरे को कैसे, तो 20 का 9 बेच रहा है, तो कह रहा है उसको प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है उसका परसेंटेज कितना है। अगर बात करें तो यहाँ दो हमारे पास क्वांटिटी, एक तो आर्टिकल हो गया, एक रुपी हो गया। कॉस्ट प्राइस अगर देखें तो पहला कह रहा है 4 आर्टिकल खरीद रहा है वो कैसे, 10 रुपये का। दूसरे केस में उतना ही आर्टिकल खरीद रहा है, 5 आर्टिकल 10 रुपये का। तो यहाँ तो कॉस्ट प्राइस था, और बेच कैसे रहा है, सेलिंग प्राइस देखा जाए तो 9 आर्टिकल बेच रहा है 20 का। तो ये इन्फॉर्मेशन गिवेन है, इसके बेसिस पे आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस में जब भी क्वेश्चन बेस्ड ऑन आर्टिकल्स हो तो आप आर्टिकल्स को सेम करो। अच्छा, 4, 5, 9 को सेम करने का तरीका क्या है, तो आप एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ 4, 5 और 9। तो यहाँ से आप 4, 5, 9 का अगर एलसीएम लोगे तो 5, 4 का एलसीएम तो 20 और 20, 9 का 180 आर्टिकल हो जाएगा, 180 इसका एलसीएम आ जाएगा। अच्छा, 180 करने के लिए हमको इसे करना पड़ेगा 9 और 5 से, मतलब 9 5 45 से, इसको करना पड़ेगा 5 को तो 9 6 36 से, इसको 20 से करना पड़ेगा। अगर ये 4 है तो 4 के अलावा किससे गुना करना पड़ेगा, इसको 9 5 45 से, 5 है तो 5 के अलावा किससे करना पड़ेगा, 9 6 36 से, और 9 है तो इसको करना पड़ेगा 4 5 से, 20 से। इधर किए तो इधर भी करना होगा, इधर भी करना होगा और इधर भी करना होगा। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा ये 450 रुपये आ जाएगा, यहाँ पे 360 रुपये में, और यहाँ पे आ गया 400 रुपये। आपको पता है कि यहाँ पे 180 आर्टिकल खरीदा, यहाँ भी 180 खरीदा है, लेकिन यहाँ बेचा भी अभी 180 है, तो इसको 2 गुना बेचना है क्योंकि 360 है, तो बेचेगा भी 360, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे ये 360 बेचेगा, और 360 बेचेगा जब 180 बेच रहा था तो 400, तो 2 गुना इसको भी करना पड़ेगा 2 से गुना, क्योंकि बेचा तो है 2 गुना, तो फिर उसका 2 गुना पैसा भी उसके पास आया होगा, तो टोटल 800। यहाँ पे उसने टोटल इन्वेस्ट किया था 6 5 11 4 3 7 1, 810 इन्वेस्ट किया था और पैसा उसको आया 800 रुपये, तो लॉस हो रहा है डेफिनेटली से, डेफिनेटली बात है, डेफिनेटली यहाँ पे 810 रुपये का उसका कॉस्ट प्राइस है, 800 रुपये उसका सेलिंग प्राइस है, लॉस हो रहा है। लॉस कितना का हो रहा है, तो 10 का लॉस किस पे, तो 810 रुपये पे, तो 810 रुपये पे। 100 पे कितना हो जाएगा, आप इसको कैलकुलेट करोगे, आपका यहाँ से आ जाएगा 100/81, आप यहाँ से इसको निकाल लेना, इतना प्रतिशत का उसको क्या होगा, लॉस आ जाएगा, 19/81 इतना परसेंट का लॉस होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका है कि आप आर्टिकल जितना यहाँ पे खरीदो, यहाँ भी 180 खरीदा, यहाँ भी 180 खरीदा, तो टोटल 360, तो बेचने वक्त में भी आप 360 बेचोगे, तो 360 जब बेच रहे हो तो आपको 800 रुपये आ रहा है, और इन्वेस्ट आपने 810 किया था, 10 का लॉस हो रहा है 810 रुपये पर। जब आप 810 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हो तो 10 रुपये का लॉस हो रहा है आपको, तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जब भी निकालने का, तो यहाँ तो लॉस हो रहा है, तो लॉस हो जाएगा 19/81%। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग।